ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, दिन रात मेहनत की आग में जलना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। फ्रेंड्स, आज है 14 जून। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कल यानी कि 13 जून को एक नई याचिका जो कि कटाव के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई थी, तो उस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी इस पर काफ़ी संदेह था, लेकिन इस पर कल सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के अंतर्गत हालांकि ये जो सुनवाई थी वो ज़्यादा देर तो नहीं चली, लेकिन जितनी भी देर चली है उसमें संकेत इसी बात के मिल रहे थे कि ये जो मैटर होगा वो कहीं ना कहीं जाकर मुख्य याचिका में जाकर टैग होगा। हालांकि अभी तक ये जो नई याचिका है वो मुख्य याचिका यानी कि याचिका संख्या 156 में जाकर टैग नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो अगली तारीख लगाई गई है, जो अगली सुनवाई होगी, वो जुलाई में ही होगी। जब जुलाई में कोर्ट ओपन होगा तो उसके बाद काज लिस्ट जारी होगी और आपको तभी पता चलेगा कि किस दिन इस नई याचिका पर सुनवाई होनी है। हालांकि पूरी संभावना इसी बात की है कि नई याचिका भी पुराने सभी बंच केसों में जाकर एक बंच केस के रूप में दायर होगा और उस पर सुनवाई की जाएगी। डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको निश्चित रूप से पता होगा कि जो मुख्य याचिका है, याचिका संख्या 156 और सरकार की ओर से जो याचिका दायर की गई है, दोनों ही याचिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अन्य जो याचिकाएं, छोटी छोटी याचिकाएं जो दायर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन याचिकाओं में ही जाकर बंच होंगी। तो यहाँ पर देखना यह है कि बीएड लीगल टीम और सरकार की जो याचिका है उस पर पैरवी कितने जोरदार तरीके से हो सकती है, क्योंकि जब तक ये पैरवी नहीं होगी सही तरीके से तब तक शीघ्र कोई निर्णय आ पाना मुश्किल लगता है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक सरकार ने कोई भी निर्णय उत्तरमाला को लेकर नहीं किया है। हालांकि आदेश में तो ये कहा गया था कि जो उत्तरमाला है उसे सरकार जारी कर सकती है। तो ये है 69,000 कोर्ट अपडेट। और कल जो सुनवाई नहीं होनी थी लेकिन कल सुनवाई हुई है, लेकिन अब जो अगली सुनवाई होगी अब वो जुलाई में होगी। इसी बीच बीएल लीगल टीम ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें कहा है कि क्योंकि मामला जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों की लाइफ से जुड़ा हुआ है और शैक्षिक जो प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है, इसलिए जो ग्रीष्मकालीन जो कोर्ट चलती है उसमें ही इस पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल देखना यह है कि ये इस पर जो है मुख्यमंत्री की ओर से क्या आदेश आता है और कोर्ट जो समर बेंच होती है वो इस पर सुनवाई करती है या नहीं करती है। हालांकि यहाँ पर आज 14 जून बीतने वाला है और अब जून में मात्र 15 दिन बचे हैं, तो ऐसे में ये प्रतीत नहीं होता है कि समरकालीन बेंच इस पर जो सुनवाई करेगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जुगाड़ सिस्टम बड़ा गहराई तक अपनी जड़ों को जो है पसार चुका है। अब यहां पर देखिए, पिछले कई सत्रों में जब सत्र चल रहे थे तो मध्य सत्र में बहुत सारे अध्यापकों की भर्ती जो जहां पर हुई थी वहां से उनको कई अन्य जगहों पर ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसको लेकर कई RTI जो थी वो PNP में जो है पड़ी हुई थी और उसमें जानकारी ये मांगी गई थी कि किन किन अध्यापकों का या कितने अध्यापकों का मध्य सत्र में तबादला किया गया है। हालांकि जब इस पर जांच हुई है तो एक चौंकाने वाला मैटर सामने निकल कर आया है। देखिए, यहां पर पूरा मैटर ये है कि एक ही डिस्पैच नंबर से जिले में कई शिष्यों के तबादले कर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो BSA हैं उन्होंने जो है एक खेल खेला है और एक ही डिस्पैच नंबर के आधार पर कई सारे चहेते शिष्यों का उन्होंने तबादला कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी धांधली है जो कि अब जाके सामने आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो ये है कि इसकी जानकारी अब परिषद सचिव रूबी सिंह को भी हो गई है, लेकिन रूबी सिंह का कहना है कि पिछले शैक्षिक सत्र में परिषद मुख्यालय से कोड और शासन के आदेश के सिवा किसी शिक्षक का तबादला नहीं किया गया है और इसके बाद ही मुख्यालय के नाम पर जिलों में तबादले होने की सूचना मिल रही है। सचिव ने बताया है कि कुछ लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह भी पूछा है कि आखिर पिछले वर्षों में मध्य सत्र में जिलों में कितने तबादले किए गए, इसका ब्यौरा मुख्यालय पर नहीं है।
इसलिए सभी जिलों के BSA से 2016-17 और 2017-18 में जिले के अंदर और अंतर जिला तबादलों की सूची जो है वो मांगी गई है। यह भी रिपोर्ट मांगी गई है कि मध्य सत्र में किसके आदेश पर तबादले जो हैं वो किए गए। यहाँ पर देखिए, ये जो सारा मैटर होता है वो कहीं ना कहीं जो सक्षम अधिकारी होते हैं उन्हें कानून के भय से मुक्त करता प्रतीत होता है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती है और यही वजह होती है कि वो जो नियम कानून है उससे खुलकर खेलते हैं और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो सामने निकल कर आती है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, चलेंगे अगली खबर पर और आपको बता दें कि PCSJ मेंस में कुल 1847 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कल यानी कि कल 13 जून को PCSJ मेंस का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है और 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को यह मुख्य परीक्षा हुई थी और साक्षात्कार जो होंगे वो इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के प्रति एक शपथ पत्र दायर किया था जिसके अंतर्गत जुलाई तक उन्हें जो PCSJ के जितने भी पद हैं उनके सापेक्ष नियुक्ति दे देनी है। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती कोर्ट के आदेश पर मई माह में ही पूरी होनी थी लेकिन उसमें विलम्ब हुआ है, तो अब ये प्रक्रिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस भर्ती में कुल 610 रिक्तियां हैं और इसमें जो है अनारक्षित यानी कि जनरल के कुल 306 पद हैं, अनुसूचित जाति के 128, अनुसूचित जनजाति के 12 और OBC के लिए कुल 164 पद इसमें निर्धारित हैं। वहीं पर DFF श्रेणी के लिए 12, दिव्यांग श्रेणी के लिए 24 और महिला श्रेणी के लिए 122 रिक्तियां इसमें शामिल हैं। और फ्रेंड, सत्यापन शुरू कराने के लिए जल सत्याग्रह यानी कि LT-GRADE जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए जितने भी विषय हैं जिनका परिणाम जारी हो रहा है उनकी सत्यापन प्रक्रिया जो कि 11 जून से शुरू होनी थी, तो ये प्रक्रिया जो है वो अभी स्थगित कर दी गई है, तो उसको फिर से रिज्यूम करने के लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं और संगम में खड़े होकर LT-GRADE शिक्षक ये भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। आज सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री को वो रक्त पत्र भी लिखने वाले हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। वहीं पर अभ्यर्थियों का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि LT-GRADE शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और उसके बाद अगले 6 माह के अंदर एक पारदर्शी तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यानी कि अभ्यर्थियों का दो अलग अलग दल है जो अपनी अलग अलग मांग को मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन और प्रयास कर रहा है। वहीं पर आपको यह बताते फ्रेंड्स कि UPSC में आपको जुलाई से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए अध्यक्ष भी मिलेंगे, नए सदस्य भी मिलेंगे और नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती भी होगी। सचिव पर तलवार लटकी हुई है और संयुक्त सचिवों के फेरबदल का भी संकेत मिल रहा है। आपको पता होगा कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सचिव और परीक्षा नियंत्रक को बदल दिया गया था। आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण अध्यक्ष और सदस्यों में किसी तरह का बदलाव नहीं हो पाया था। हालांकि इस बीच सपा शासनकाल के नियुक्त कई सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इसी माह के अंत तक अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद एक नया स्टाफ, लगभग नया स्टाफ जुलाई माह से आपको देखने को मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि RO-ARO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की बेहद कमी है। वर्तमान में आयोग के अंदर लगभग कुल मिला के लगभग 100 समीक्षा अधिकारी और 150 सहायक समीक्षा अधिकारियों की कमी है और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आयोग में जो काम काज होता है वो आगे चलता है और इसके बारे में भी प्रयास ये किया जा रहा है कि शीघ्र ही इनकी जो कमी है वो पूरी की जाए। आपको बताते चलें कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती होती है वो UPSC ही करवाता है और अभी हाल ही में इसका परीक्षा कैलेंडर तो जारी नहीं हुआ है और वर्तमान में जो प्रक्रिया आगे चल रही है यानी कि जांच प्रक्रिया के अंतर्गत अभी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगला विज्ञापन कब आएगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द 3 से 4 महीने के बाद आपको जो है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है और यह एक शानदार पद होता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है और जो PCS अधिकारी होते हैं उनके समकक्ष
सभी सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो अगर आप ऐसी परीक्षा के बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अभी लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार 1017 गरीब सवर्णों को प्रवेश मिलने वाला है और इसके लिए नया रोस्टर जो है वो दायर कर दिया गया है। और लेकिन इसके बीच जो गरीब सवर्ण होंगे उनको दो प्रमाण पत्र देने होंगे। एक प्रमाण पत्र होगा उनका जिला जो परगना मजिस्ट्रेट हैं सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया होगा आय प्रमाण पत्र, और दूसरा होगा लाभार्थी के द्वारा दिया गया एक स्वयं का घोषणा पत्र। तो इस आधार पर जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है EWS कैटेगरी के अंतर्गत जो सीटें रिजर्व हैं उस पर उनको प्रवेश मिल सकेगा। किस विषय में कितनी सीटें हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, जहां पर आपको ये पूरी सूचना विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि सीधी भर्ती के जितने भी परिणाम हैं अब उन्हें तेजी से जारी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इकाइयाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट के सामाजिक विज्ञान विषय प्रवक्ता का चयन पूरा हो गया है। UPSC ने प्रदेश के अलग अलग डायट के लिए 70 अभ्यर्थियों का चयन किया है। दिव्यांग कोटे से 3 के बजाय 2 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ, क्योंकि 1 अभ्यर्थी नहीं मिला और उसके बाद उसका पद रिक्त छोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी जुलूस आज से UPSC के खिलाफ प्रतियोगी छात्र निकालने वाले हैं और इसके लिए गुरुवार से जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। प्रतियोगी छात्र आयोग की परीक्षा नियंत्रक के अलावा अध्यक्ष और सचिव आदि के अधिकारियों की जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में चयनित अभ्यर्थियों का हाईकोर्ट के आदेश पर जो कॉलेज आवंटन होना है उसके बारे में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के सामने सैकड़ों प्रतियोगियों ने तीसरे दिन क्रमिक अनशन किया। उनका आरोप है कि चयन बोर्ड कोर्ट के आदेश का कॉलेज आवंटन में अनुपालन नहीं हो रहा है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर पैनल जल्द ही कार्य करेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होगा कि एक नया नियम लगाया गया है जिसके अंतर्गत जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं बेसिक प्रसिद्धि स्कूल हैं उन स्कूलों में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन अनुदेशकों की नियुक्ति सिर्फ उन्हीं स्कूलों में किया जाएगा जहां पर जो छात्र होंगे उनकी संख्या अगर 100 से अधिक होगी। तो इस कंडीशन में देखिए, इसका कहीं ना कहीं एकमात्र लक्ष्य सरकार का ये भी था कि जो वहाँ के अध्यापक हैं और जो हेडमास्टर हैं वो प्रयास करें कि उनके यहाँ जो अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आएँ, और उसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण भी शुरू करवाया जाएगा और इसके लिए अनुदेशकों की नियुक्ति भी की जाएगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी ये छात्र संख्या 100 तक नहीं पहुँच पाई है, इसलिए वहाँ पर नियमानुसार अनुदेशकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो ऐसे में कंप्यूटर तो वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उनको प्रशिक्षित कौन करेगा। तो यहाँ पर बता दें आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों के 968 स्कूलों के सापेक्ष 678 अभी जो है अनुदेशकों की तैनाती है, बाकी के पद यहाँ पर अभी खाली हैं। जिले में कुल 1001 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें 33 विद्यालय नगर क्षेत्र में हैं और इन विद्यालयों में कंप्यूटर खेल कला और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अनुदेशकों के रखने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। और आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा कि मई माह में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल 558 पदों के सापेक्ष शिक्षक भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य पदों के लिए विज्ञापन था। उस पर MHRD ने सूचना मिल रही थी MHRD को कि इस भर्ती में धांधली हो रही है, नियमों के साथ काफ़ी तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यहाँ पर MHRD ने रोक लगा दी है, और रोक लगाने के बाद आटा जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का एक समूह है वो कोर्ट जाने की तैयारी में यहाँ पर लग गया है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या इसमें होता है। और नीट की आंसर की में गलतियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करना है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष हैदराबाद के KM रेड्डी और 3 अन्य ने
अधिवक्ता महफूज नजगी के जरिए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि परीक्षा का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने गलत आंसर की जारी करके परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया गया था। और फ्रेंड देखिए, एक अच्छी खबर ये है कि अब उत्तर प्रदेश के जो सभी 822 ब्लॉक हैं उसमें हर ब्लॉक में दो दो मॉडल स्कूल होंगे। एक मॉडल स्कूल हिंदी मीडियम का होगा, दूसरा मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम का होगा। तो यानी कि अभी भी बहुत सारे रिक्त पद जारी होने वाले हैं प्राथमिक स्कूलों में। अगली शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें निश्चित रूप से अभी वक्त लगेगा। मैं आपको ये बता दूं कि TGT और PGT का जो विज्ञापन है वो अगस्त या सितंबर में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जून माह के अंत तक जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनका ब्यौरा ऑनलाइन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जुलाई तक सारे ब्यौरे सामने आ जाएंगे, उसके बाद सारी कमेटी जो होगी उसका वो गठित होगी और उससे उसके बाद ये विज्ञापन जो होगा वो जारी हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष जो लोग उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर की TET को परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं तो वो लोग भी TGT में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि TGT में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है हर जो मतलब कि उच्च प्राथमिक की TET होती है, जूनियर लेवल TET, उसे आपको उत्तीर्ण करना होता है। वहीं पर शिक्षक भर्ती यानी कि प्राथमिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है प्राथमिक लेवल की जो TET होती है उसको उत्तीर्ण करना पड़ता है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती होगी उसकी संभावना तो अभी फिलहाल दिसंबर से भरे प्रतीत नहीं होती है। आगामी जो शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम होगा उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि संभावना इस बात की है कि आगामी अगस्त या सितंबर में TGT PGT की नई वैकेंसी और उसके बाद अक्टूबर में TET का एग्ज़ाम होगा। CTET का एग्ज़ाम तो 7 जुलाई को हो ही रहा है। प्राथमिक के लिए जो नई शिक्षक भर्ती है उसमें अभी पदों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो प्राथमिक में शिक्षक भर्ती होगी इसका विज्ञापन वो TET जब हो जाएगी अक्टूबर में तो उसके बाद ही उसके बारे में जानकारी आपको मिल पाएगी। और जो इंग्लिश मीडियम के लोग होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनकी नियुक्ति जो होगी वो इंग्लिश मीडियम के जो मॉडल स्कूल खोले जाएंगे उसमें की जाएगी। तो एक तरीके से यह एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम होगा। फ्रेंड्स, इस मॉडल स्कूल में शुद्ध पेयजल, शौचालय और स्कूल भवन जो होंगे वो बहुत ही आकर्षक रूप से होंगे। बच्चों के पोषण पर भी ध्यान दिया जाएगा। विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि SSA के प्रस्ताव मंजूर होते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी कि आगामी ये प्लानिंग है, इस पर सरकार कब से कार्य शुरू करेगी ये देखने वाली बात होगी। और इसी कुछ मैटर पर आज गवर्नमेंट की आज मीटिंग है। योगी आज देंगे शिक्षा में सुधार का मंत्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को यानी कि आज उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था में सुधार का मंत्र देंगे। शुक्रवार को यानी कि आज 11:30 बजे लोकभवन में उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और जो लोग CTET की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनको बता दें कि 7 जुलाई को परीक्षा होगी और इसके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो 15 जून के बाद यानी कि आज के बाद कभी भी वो जारी हो सकता है, कल के बाद वो कभी भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जो TGT PGT की नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में अब प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। DIOS को दिया जाएगा प्रशिक्षण। ये जो पूरी खबर है वो आगामी वैकेंसी से ही जुड़ी हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश सपा शासनकाल में सुधरू प्रयोग को धरातल पर उतारने में जुट गया है। अध्याचन यानी कि अशासकीय कॉलेजों में जो प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और TGT की रिक्तियों की सूचना अब ऑनलाइन ली जाएगी। ज्ञात हो कि चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल गुप्त और सचिव रूबी सिंह के समय ऑनलाइन अध्याचन लेने का प्रयोग शुरू हुआ था। फतेहपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था और पूर्व अध्यक्ष के हटने के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि नए अध्यक्ष वीरेश कुमार ने 10 अप्रैल 2018 को कहा कि अध्याचन ऑनलाइन लिए जाएंगे और यह व्यवस्था जल्द लागू होगी। चयन बोर्ड की सुस्ती से 14 महीने के बाद दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश दिया गया है।
बुधवार को ही यह स्पष्ट किया गया कि 1 जुलाई से सभी जिलों को अध्याचन पोर्टल के माध्यम से रिक्तियों की सूचना ऑनलाइन भेजना है। इसके लिए गाइडलाइन, यूजर मैनुअल, यूजर आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। कंप्यूटर वगैरह की ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी और इस प्रकार से जब सारी रिक्तियों के बारे में डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो नई जो टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती होगी उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कुल मिला के जुलाई तक रिक्तियों के बारे में सारा डेटा कलेक्ट हो जाना चाहिए और उसके बाद अगस्त या सितंबर में नई विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए। और प्राथमिक के बारे में सूचना यही है कि अभी इसके बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है और ना ही ये पता चल पा रहा है कि किस जिले में कितने पद प्राथमिक स्कूलों में अभी शिक्षकों के लिए रिक्त हैं। तो ये सारी जानकारी जुटाने में निश्चित रूप से वक्त लगेगा। बहुत सारे लोग दावा करते होंगे आपसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। नई भर्ती नवंबर दिसंबर के बाद ही आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एंड कंडीशंस। तो फ्रेंड्स, ये है आज की मॉर्निंग न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि सारी खबरें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ जो लोग जुड़े हुए हैं लोअर पीसीएस परीक्षा से, उनके लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे मैं एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में डेली पार्टिसिपेट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग प्रैक्टिस सेट में हिस्सा लेते हैं, मात्र 1000 लोग भी नहीं पहुँचते हैं, तो ये एक अफसोस की बात होती है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ये बताइए मुझे कमेंट करके कि आप लोग 11 बजे का जो वीडियो अपलोड होता है करंट अफेयर्स का, उस वीडियो को मैं करंट अफेयर्स के रूप में ही रहने दूँ या फिर उसे सीटेट के रूप में बदल दूँ, यानी कि सीटेट की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड किया जाए, या फिर उसे जो है एक सामान्य ज्ञान सीरीज के रूप में अपलोड किया जाए, क्योंकि सामान्य ज्ञान की सीरीज जो है वो अभी लगभग किसी भी चैनल पर प्रतिदिन अपलोड नहीं हो रही है। तो आपके जो सुझाव हैं वो अपेक्षित हैं और हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।